राम राम भाई। तो आज ही अपने सामने खड़ी है 2023 की किया कैरेंस। ये इसका भाई सेकंड वेस वेरिएंट यानी कि प्रेस्टीज वेरिएंट। और ये जो है ना भाई, अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि भाई कंपनी ने इसमें एक से एक बेहतर फीचर्स डाले हैं। मतलब भर भर के फीचर्स हैं भाई इसमें, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो यार बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। सबसे पहले भाई इसकी सामने से भाई लुक देखो, क्या गजब की इसकी लुक आ रही है। बात करते हैं भाई, ये जो पूरा पार्ट है इसकी ग्रिल भाई, ये है भाई पियानो ब्लैक में, अच्छी लग रही है, चमक रही है एकदम। नीचे भाई ये सिल्वर की जो स्ट्रिप दे रखी है, और इधर भाई ये जो पूरा हिस्सा है ये भी भाई पियानो ब्लैक में है। इधर आपको लग रहा होगा भाई DRL है, लेकिन ये DRLs नहीं है, ये भाई ऐसे ही वाइट कलर है, दूर से देखने पे जो है DRL ही नज़र आते हैं। इधर है भाई इसका हेडलाइट्स का सेटअप, ये आपको नॉर्मल भाई बल्ब मिलता है हेलोजन में। और इधर हो गया ये इसका टर्निंग इंडिकेटर, नीचे ये भाई क्रोम की फिनिश। ये भाई इधर नीचे मिल जाती है आपको इसकी सिल्वर में स्किड प्लेट, ये हो गया भाई नंबर प्लेट के लिए। आगे आपको मिल जाते हैं भाई 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 1, 2, 3, 4। और इसकी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो भाई 1800 mm इसकी विड्थ, और साइड में चलते हैं भाई 1708 mm इसकी हाइट, और लगभग 4540 mm भाई इसकी लेंथ। और व्हील बेस की बात करूं भाई, व्हील बेस आपको इसमें मिलता है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा। इनोवा का जो व्हील बेस है भाई वो आपको मिलता है 2745 mm, लेकिन इसका जो व्हील बेस है भाई वो है 2780 mm। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। तो भाई अब देख लेते हैं इसकी टायर प्रोफाइल। अपोलो के इसमें आपको टायर मिलते हैं, और भाई सेक्शन है इसका 195/65R15, यानी कि भाई 15 इंच के आपको इसमें स्टील रिम मिलते हैं। और ये जो व्हील कवर है ना भाई, ये भी ग्लॉसी सिल्वर में दे रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि भाई अलॉय की ज़रूरत है ऐसे। इधर मिल जाती है भाई मैट ब्लैक में इसकी क्लैडिंग, काफ़ी चौड़ी है, वाइट के साथ बहुत अच्छी लग रही है। इधर भाई स्कर्टिंग मिल जाती है मैट ब्लैक में ही। इसके जो ऊपर के मॉडल में ना भाई, इधर आपको जो है क्रोम की फिनिश देखने को मिलती है, इसमें नहीं है ऐसा। ऊपर भाई ये इसके ORVM बॉडी कलर मैट ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ORVM पे हो गए भाई टर्निंग इंडिकेटर। इधर मिल जाता है भाई डोर हैंडल जो है बॉडी कलर्ड ही है। इसका जो ए पिलर है भाई वो मिलता है आपको पियानो ब्लैक में। ऊपर मिल जाती है भाई ग्लॉस में सिल्वर में जो है इसकी रूफ रेल्स। बी पिलर जो है भाई वो मैट ब्लैक में मिलता है। इधर हो गया भाई ये क्वार्टर ग्लास, और ये कुछ डिज़ाइन वगैरह सी है, ठीक है। रूफ रेल्स भी काफ़ी शानदार लग रही है। और ये भाई इसकी कुछ पीछे से लुक, इसके बारे में बात करेंगे। ऊपर दे रखा भी शार्क फिन एंटीना। इधर हो गया ये हाई माउंट स्टॉप लैंप, जो कि भाई स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड है। पीछे भाई आपको ग्लास में कोई भी ना तो रियर वाइपर मिलता है, ना ही डिफॉगर मिलता है इस वेरिएंट में। पीछे भाई किया का लोगो। इधर भाई कैरेंस की बैजिंग, और वेरिएंट की इसमें आपको कोई भी बैजिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती। इसकी भाई टेल लाइट की बात करते हैं, पूरा जो है ना भाई हेलोजन में सेटअप है। इधर हो गया भाई इसका टर्निंग इंडिकेटर, ये हो गया रिवर्स लैंप, और जो पूरा है ना भाई रेड कलर का, ये भाई आपका रात में और ब्रेक लगने पे चलेगा। नीचे दे रखा भाई रिफ्लेक्टर, और 4 मिल जाते हैं आपको इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 1, 2, 3, 4। नीचे चलते हैं भाई, नीचे दे रखा भाई ये रिवर्स कैमरा, जिसकी प्लेसमेंट इधर है जस्ट नंबर प्लेट के ऊपर। ये भाई सिल्वर ग्लॉस की फिनिश, और नीचे जो है पियानो ब्लैक में मिल जाती है स्किड प्लेट इसकी। तो भाई ये हो गया इसकी पीछे से भी बात। अब चलते हैं भाई इसकी फ्रंट सीट पे, गर्मी बहुत हो रही है। ये है भाई इसकी चाबी के ऊपर जो है भाई ओनर ने कवर वगैरह चढ़ा रखा है, लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन करने के लिए। करते हैं भाई इसको अनलॉक, पौं पौं की आवाज़। और ये है भाई इसका इंटीरियर जो भाई काफ़ी प्रीमियम है। मतलब आपको ऐसा लगेगा भाई कि कम से कम कोई है 20-25 लाख की गाड़ी है, इस तरह का इसका जो है इंटीरियर है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं भाई डोर पैनल की। तो भाई इधर ही आपको लग रहा होगा सॉफ्ट टच है, लेकिन नहीं, हार्ड प्लास्टिक है, और ये स्टिचिंग दे रखी है डिज़ाइन के लिए, जो कि प्लास्टिक में ही है। इधर मिल जाती है भाई ये भाई सिल्वर ग्लॉस की फिनिश, सिल्वर ग्लॉस में ही आपको मिल जाता है इसका भाई ये डोर हैंडल। नीचे मिल जाते हैं भाई 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ये विंडोज़ को लॉक करने के लिए। और ड्राइवर साइड जो है 1 टच ऑटो डाउन एंड अप है लॉक अनलॉक के लिए। और इसके जो ORVM है भाई वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है, लेकिन फोल्डेबल नहीं है, फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे।
इधर भाई ये ग्रैब हैंडल है जो कि देखो कुछ इस तरह का, इसका एक यूनिक सा डिज़ाइन है। और इधर हो जाती है भाई स्पीकर की प्लेसमेंट, ये डिज़ाइन दे रखी है इधर। और इधर भाई ये मिल जाता आपको कुछ स्पेस बॉटल होल्डर, और इधर मिल जाता भाई आपको अम्ब्रेला होल्डर। इधर चलते हैं भाई सामने के भाई जो दो हेडरेस्ट हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, दोनों आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। सीट्स की बात करते हैं भाई, इसकी जो सीट्स है ना भाई सेकंड बेस वेरिएंट में ही आपको मिल जाती है भाई हाइट एडजस्टमेंट के साथ। आप हाइट इसकी यहाँ से भाई एडजस्ट कर सकते हो, और जो है सिक्स वे मैनुअली एडजस्टेबल हैं ये सीट्स। चलते हैं भाई इसके अंदर, करते हैं आगे की बात अंदर जाने के बाद। इसका भाई इग्निशन करते हैं एक बार ऑन, क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और एसी वगैरह ऑन करते हैं। ये हो गई भाई गाड़ी ऑन। और सबसे पहले भाई इसका जो इंजन है ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, आपको भाई महसूस नहीं होगा, मतलब गाड़ी ऑन भी है, इतना जो है भाई शांत इंजन है इसका, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। एक बार जो मैं इसके फ्लो को एडजस्ट बंद कर देता हूँ भाई एसी के को, देखो बिल्कुल शांत है भाई। सबसे पहले बात करते हैं भाई स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग पे भाई बीच में एक किया का लोगो, इधर एक मिल जाती है आपको एयरबैग की बैजिंग, और ये भाई भाई ग्लॉस सिल्वर में इसकी फिनिश दे रखी है। नीचे भाई ये भी ग्लॉस उसमें ही है ग्लॉस सिल्वर में। और सबसे पहले भाई सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसमें आपको जो 6 एयरबैग मिल जाते हैं, और जो सेफ्टी फीचर्स है वो है भाई ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब भाई आपको इसमें भाई मिल जाते हैं। अब यार सेकंड बेस वेरिएंट में आपको इतने फीचर्स मिल जाते हैं। और भाई स्टेयरिंग देखते हैं, स्टेयरिंग भाई टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ टिल्ट ऑप्शन के साथ मिलता है आपको इसका स्टेयरिंग। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं भाई, इधर मिल जाता है भाई आपको इसका स्पीडोमीटर, ये इधर हो गया भाई टैकोमीटर, पूरा डिजिटल है। इधर दे रखा है भाई फ्यूल गेज के लिए, ये इधर हो गया भाई इंजन का टेम्परेचर, और MID के जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप इधर से निकाल सकते हो। और इसमें भाई सेकंड बेस वेरिएंट में ही आपको मिल जाता है भाई टायर प्रेशर मॉनिटर, यानी कि TPM। ठीक है भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात हो चुकी है। और इधर मिल जाते हैं भाई ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। स्टेयरिंग जो है ना भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब खाली खाली महसूस नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है। इधर चलते हैं भाई, इधर मिल जाती है आपको इसकी 8 इंच की टच स्क्रीन जो कि सपोर्ट करती है भाई एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को। 4 मिल जाते हैं आपको इसमें स्पीकर, और 2 दे रखे हैं भाई ट्विटर, एक इधर है और एक दे रखा भाई उधर। ठीक है नीचे ये मिल गया भाई हजार्ड का बटन, और ये है भाई इसके AC वेंट, बिल्कुल ना छिपे हुए हैं, मतलब नजर नहीं आ रहे, पतली सी स्ट्रिप दिख रही है भाई, ये भी ग्लॉसी सिल्वर में ही है। और ये जो पूरा पार्ट है ना भाई अभी जो कवर्ड है ये भाई पियानो ब्लैक में है, और बहुत ही ज़्यादा ना सुंदर लगता है। नीचे ये मिल जाते हैं भाई आपको इसके AC के कंट्रोल्स, ये भाई उसकी डायरेक्शन को एडजस्ट करने के लिए AC की, और ये भाई टेम्परेचर के लिए, और इसका जो AC का जो फ्लो है ना भाई ब्लोअर वो आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हो भाई, ये भी काफ़ी सही है। और नीचे चलते हैं भाई, नीचे ये देखो ये भी भाई ग्लॉसी सिल्वर या फिर सैटिन क्रोम बोल लो, उसमें ये भी इधर भी फिनिश दे रखी है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इधर मिल जाता है भाई आपको इसका पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, एक दे रखा है USB पोर्ट, बीच में मिल जाता है भाई 12 वॉट का पावर सॉकेट, ये इधर दे रखा भाई डाउनहिल असिस्ट के लिए, और ये मिल जाता है भाई एक C पोर्ट। इसमें जो है ना भाई आपको 4 C चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, पीछे भी हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। नीचे कुछ स्पेस है भाई फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और उसके ऊपर ना भाई एक ग्रिप सी दे रखी है, ये भी सही है। ये है भाई इसका 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स, और ये जो पूरी फिनिश दे रखी है इन भाई इसकी गेयरबॉक्स की, ये भाई पियानो ब्लैक में और सेटिंग क्रोम में दे रखी है, लेदर है वगैरह दे रखा है भाई गियर लीवर के ऊपर। इधर मिल जाती है भाई आपको इसकी हैंड ब्रेक के ऊपर ये पियानो ब्लैक का एलिमेंट, और इधर भाई 2 मिल जाते हैं आपको कप होल्डर्स, और इधर ये मिल जाता है भाई आपको इसका आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट जो है ना भाई वो सॉफ्ट मटेरियल में दे रखा है। अंदर भाई ये ट्रे मिलती है, और भाई ट्रे को आप जैसे ही हटाओगे ना अंदर है भाई स्पेस, अपना कुछ भी सामान वगैरह रखो कुछ भी रखो। और सबसे अच्छी जो बात है ना भाई सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, फीचर्स जो है भाई भर भर के दे रखे हैं इसमें। इधर देखते हैं भाई इसका ग्लव बॉक्स, इसका जो ग्लव बॉक्स है भाई वो भी काफ़ी अच्छे साइज का आपको मिल जाता है। और इधर भी भाई एक AC वेंट हो गया, नज़र नहीं आ रहा होगा। और इधर देखते हैं भाई ये दे रखा है भाई एक कप होल्डर, और
इधर भी ऐसा ही कुछ दे रखा होगा। ये इधर भाई कप होल्डर नहीं है कुछ, मतलब स्पेस है बस अपना कुछ सामान वगैरह छोटा मोटा, टिकट होल्डर मान लो ऐसा आप इसमें रख सकते हो। नीचे दे रखा भाई ये इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, नीचे दे रखा है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, और ये हो गया भाई इसके हेडलाइट्स के लेवल को एडजस्ट करने के लिए। और भाई ये इसका IRVM मैनुअली एडजस्टेड डे एंड नाइट के लिए। इधर देखते हैं भाई वैनिटी मिरर नहीं है, टिकट होल्डर दे रखा है ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड देखते हैं भाई वैनिटी मिरर दे रखा है, लैंप वगैरह नहीं है, एयरबैग की बैजिंग है, पहले बता चुका हूँ 6 एयरबैग इसमें आते हैं भाई सेकंड बेस वेरिएंट में ही। इधर दे रखा है भाई सनग्लास होल्डर, और ये भाई इसके हेलोजन में जो है कैबिन लैंप, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रैब हैंडल देखते हैं भाई, एक ये हो गया, ड्राइवर साइड नहीं है। ये भाई इसके फ्रंट की बात हो चुकी है, कुछ चीज़ मिस हो गई हो ना भाई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं भाई इसकी सेकंड रो में, और सेकंड रो में ना भाई इधर से नहीं चलेंगे, उधर से चलते हैं। सबसे पहले है भाई दरवाजे देखो यार, इसके काफ़ी बड़े दरवाजे हैं, और ओपन करते हैं भाई ये देखो, और जो है काफ़ी ना वाइड ओपन हो जाते हैं। ब्लैक और बेज कलर की जो इसमें भाई फिनिश दे रखी है काफ़ी प्यारी लग रही है, प्रीमियम फील दे रही है। और ये भाई पूरा लग रहा होगा कि सॉफ्ट टच है, लेकिन नहीं भाई हार्ड प्लास्टिक है पूरा का पूरा। स्टिचिंग दे रखी है इधर भी डिज़ाइन के लिए। इधर हो गए भाई ग्रैब हैंडल, नीचे मिल जाते भाई आपको दो दो बॉटल होल्डर। इधर हो गए भाई ये पावर विंडो का कंट्रोल, और ये भाई वही ग्लॉसी सिल्वर में दे रखी है फिनिश, और ग्लॉसी सिल्वर में मिल जाता आपको इसका डोर हैंडल। नीचे इधर दे रखे भाई एक स्पीकर की प्लेसमेंट, और भाई इधर ये पीछे सेकंड रो में भाई आपको दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, दोनों के दोनों जो हैं एडजस्टेबल हैं। चलते हैं भाई इसके अंदर, और भाई सबसे पहले ना सीट्स की बात करते हैं, सीट्स जो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, नी रूम अच्छा है भाई, लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। और इसकी जो सीट्स है ना भाई वो वैसे तो फैब्रिक में है, लेकिन ना बीच बीच में भाई ये लेदर फिनिश भी दे रखी है। इधर देखा भाई इसके एसी के ब्लोअर को एडजस्ट करने के लिए, मतलब फ्लो वगैरह तेज या कम करने के लिए। नीचे मिल जाते हैं भाई दो सी टाइप के पोर्ट फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, नीचे कुछ स्पेस है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और ये इधर दे रखे हैं भाई इसके एसी वेंट्स, और भाई एकदम गोल गोल हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक हो गया इधर, और बीच में हो गया भाई ये हेलोजन में जो है रीडिंग लैंप। इधर मिल जाता है भाई एक ग्रैब हैंडल, एक ग्रैब हैंडल दे रखा है इधर विद कोट हैंगर। और भाई सीट्स में दे रखे हैं भाई इधर ये पॉकेट्स कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दे रखे हैं। और देखते हैं भाई ये भाई बीच में दे रखा है आर्म रेस्ट जो है भाई सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छे मटेरियल का इसमें यूज़ किया गया है। और तीनों पैसेंजर्स के लिए दे रखे हैं भाई सीट बेल्ट, ये भी काफ़ी अच्छा है। और भाई इसकी सेकंड रो की भी बात हो चुकी है, अब चलते हैं भाई इसकी थर्ड रो में। और भाई थर्ड रो में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, या तो आप नॉर्मली इस लीवर से कर सकते हो, एक तो ये भाई इसके सीट के जो है रिक्लाइन एंगल को सेट करने के लिए भी काम में आता है, और इसी से आप इसको टंबल भी कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ से इस बटन को करो पुश, और भाई ये सीट हो गई पूरी आगे। चलते हैं भाई इसके अंदर, सीट्स को करते हैं सेट भाई। ये भाई सीट हो गई सेट, और पीछे भी ना भाई ये पूरा लेदर की फिनिश है इस पर, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब दोनों मटेरियल का ना यूज़ किया गया है, फैब्रिक भी और लेदर भी। अब पीछे भाई इधर बैठ के दिखाता हूँ आपको, इधर भाई देखो नी रूम ठीक है, लेग रूम भी भाई ठीक है, और जो थाई सपोर्ट है ना वो भाई ठीक ठाक ही है ये भी, लेकिन हाँ ज़्यादा बड़े बंदे के लिए नहीं है, और लंबे सफ़र पर भी ना भाई काम चलाया जा सकता है। इधर कुछ स्पेस है भाई फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और दिखाता हूँ एक इधर दे रखा भाई ये सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट, मतलब पीछे वालों के लिए भाई पूरी सुविधाएं दे रखी हैं। और एक दे रखा है भाई इधर भी सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट, इधर भी कुछ स्पेस है ठीक है, और ये कुछ सामान वगैरह टाँकने के लिए एक हुक दे रखा है इधर। ये दे रखा भाई इसका क्वार्टर ग्लास जो है, ये भी जो भाई नॉर्मल से ठीक ठाक साइज़ का है, मतलब घुटन तो खैर नहीं होने वाली, क्योंकि भाई कैबिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस इसका कैबिन है। और ऊपर ये दे रखे हैं भाई इसके एसी वेंट्स, एक इधर हो गया। और भाई थर्ड रो के लिए भी इधर भाई लैंप दे रखा है, ये भी काफ़ी सही है। और पीछे देखते हैं भाई, पीछे भाई आपको दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, दोनों के दोनों जो हैं एडजस्टेबल हैं, और भाई दोनों पैसेंजर्स के लिए पीछे वालों के लिए सीट बेल्ट का भी भाई सेफ्टी का जो पूरा ध्यान रखा गया है। अब चलते हैं भाई यहाँ से बाहर,
भाई बटन को किया प्रेस, सीट हो गई भाई आगे। इसको करते हैं भाई सेट। देखो भाई कंफर्ट मतलब रिक्लाइन हो जाती है अच्छी तरह से। अब दिखा देते हैं भाई आपको इसका बूट स्पेस। और भाई बूट को ओपन करने के लिए नीचे दे रखा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। ये देखो नंबर प्लेट के लिए लाइट वगैरह, कैमरा इधर दे रखा है। और ये है भाई इसका बूट स्पेस, लगभग 200 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। और इधर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, मतलब आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको ऐसे ऊपर कर लो भाई, ठीक है। और इधर भाई बूट लैंप भी दे रखा है। इधर भाई कुछ हुक भी दे रखा है सामान वगैरह टांगने के लिए, एक हुक इधर हो गया। और भाई फिर भी अगर स्पेस कम है ना तो ये जो सीट्स हैं एक पूरी की पूरी जो है ना भाई आगे फोल्ड हो जाती हैं, और एकदम जो है ना भाई फ्लैट फोल्ड होती हैं। और इनका जो रिक्लाइन एंगल भी है जो भाई वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देखो मतलब कंफर्ट भाई पूरा मिलने वाला है। इसको करते हैं भाई बंद और चलते हैं। अब दिखा देते हैं भाई आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट। तो भाई बॉनट ओपन करने के लिए यहाँ से किया इसको प्रेस, और गाड़ी जो है ना भाई स्टार्ट है। बोनर जो है ना भाई काफ़ी हैवी है। और ये है भाई इसका कुछ इंजन जो है काफ़ी रिफाइंड है। ऊपर भाई कोई भी इंसुलेशन पैड वगैरह तो नहीं दे रखा, लेकिन इंजन जो है काफ़ी देखने में तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको मिलता है भाई 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है भाई 114 BHP की पावर और 144 NM का जो है टॉर्क। इसको करते हैं भाई बंद। और भाई ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो 2023 किया कैरेंस। ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट है यानी कि प्रेस्टीज वेरिएंट। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है भाई वो है भाई 11,65,000 रुपये, और ऑन रोड ये आपको लगभग 13.5-14 लाख रुपए के आसपास पड़ जाएगी। तो भाई इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना।